आज है भुवनेश्वर का सेकंड डे और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। उसके बाद जाना है कैमरा शॉप, थोड़ा सा चार्जर लेना है कैमरा का। खंडागिरी चौक, यहीं पर उतरे हैं हम लोग और इस चौक से इस तरफ जाना है, लगभग 1 किलोमीटर पड़ेगा खंडागिरी गुफा। तो पैदल चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं पैदल। चौक से कुछ देरी आने पर ही वो दिखने लगता है खंडागिरी गुफा, देख सकते हैं वहाँ पर दिख रहा है। तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, वो चौक से आप पैदल ही आ सकते हैं, ऑटो वाटो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऑटो करेंगे तो ऑटो वाले बहुत ले सकते हैं पैसा। और ये है, यहीं पर है गेट, यहीं से चलेंगे, इधर से चलेंगे। चलो चलो, वो ऊपर में है, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। अब ऊपर चढ़ना है यहाँ पर सीढ़ी से। खंडागिरी गुफा, इसे चट्टानों को नक्काशी करके बनाया गया है ना, पूरा एक ही चट्टान है। ये साइड से जाना है क्या? ये देखो, ये चट्टानों को काट कर बनाएगा। रोड के साइड उस साइड भी है गुफा, वो एक और है और एक और वहाँ भी चलेंगे, दो है रोड के उस साइड है, वो ये वाला इस साइड है, तो वहाँ भी चलेंगे। और वो खंडागिरी चौक है, वहीं से आए हैं हम लोग उतर कर। ज़्यादा दूर नहीं है ये, लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर होगी। इधर पूरा शहर है, चलो देखते हैं और ऊपर चलकर खाते हैं। ये बना हुआ है लेकिन इसको बंद कर दिया गया है जाली लगा कर। ये है अंदर से ऐसा दिखता है, चट्टानों को तोड़ तोड़ कर बनाया गया है, इसलिए इसको गुफा कहा जाता है। नीचे जा रहे हैं अब, वो रानी गुफा है वहाँ पर भी जाएंगे। तो यहाँ तो घूम लिया, यहाँ ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर ठीक लग रहा है, वहाँ ज़्यादा बना हुआ है ऐसा लग रहा है। यहीं पर आराम कर रहे हैं, थक गए हैं सभी लोग, थोड़ा बैठ कर तपस्या कर रहे हैं क्या? करो करो। तो हम लोग चले निकले, निकल जाते हैं हम लोग। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, धूप खिली है तो इस कारण से। और एक वहाँ से जाने का है ना, रानी गुफा, दूसरी गुफा में जाएंगे, ये वाला, ये रोड के इस साइड उस साइड है, तो वहीं जाएंगे अभी। ये अपना देश का झंडा लहरा रहा है, बहुत ही सुंदर। ये अंदर चलो, यहाँ टिकट लेना पड़ेगा या तो आप पेटीएम से कर सकते हैं या फिर काउंटर है करके बोल रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? हाँ ये वाला, ये वाला है पेटीएम कोड। सिर्फ पेटीएम ही काम करेगा, फोन पे वगैरह? यहाँ का चार्ज है, पूछ ले पहले भाई, स्कैन करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है इसमें।
और इसमें अपना आईडी चुनना पड़ता है। अस्सी रुपये मात्र, चार लोगों का 80 रुपये ना, 20 रुपये पर पर्सन। ये वाला कोड सिर्फ पेटीएम आपको सपोर्ट करता है, बाकी फ़ोन पे वगैरह नहीं करता, तो आपको पेटीएम ही कर सकते हैं। बाकी अगर पेटीएम नहीं करते तो वहाँ से काउंटर है उधर उस साइड, तो वहाँ से ले सकते हैं। ओके, यहाँ का टिकट 20 रुपये पर पर्सन है, तो हम लोग चार हैं तो हम लोगों को 80 रुपये लगा, और हम लोग पेटीएम कर रहे हैं। हो गया पेमेंट 80 रुपये। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के साइट में चला गया। मैं टिकट कंफर्म हो गया, अब जाएंगे अंदर, पेटीएम कर दिए हैं, अब वहाँ दिखाना पड़ेगा। यहाँ का तो चार्ज आपको बता दिया, तो यहाँ से कर सकते हैं, सरल है, ऑनलाइन है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अब अंदर जाएंगे। कितना? चार लोग हैं, चार लोग, एक दो तीन और एक वो पीछे वो जा रहा है। हाँ, चार लोग हैं। यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं इसको। और ये उदयगिरी खंडागिरी का इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, इसका है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। का जाना पड़ेगा ऊपर, और ऊपर है गुफा। चलो, ढलान बना हुआ है, देखो ये सीधा का सीधा खड़ी ढलान है इस। तो और एक और है यहाँ पर भी, उदयगिरी में 18 गुफा हैं और खंडागिरी में 15 गुफाएं हैं। अब देखते हैं यहाँ कितना गुफा है। यहाँ पर भी बंदर, ये देखो, वाह, इस चट्टान के ऊपर चलेंगे, देखते हैं। यहाँ पर भी चट्टानों को काट काट कर बनाया गया है, ये वाला गुफा भी है, और ये वाला भी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पासवर्ड का नाम के वो जान रखे हैं। नीचे साइड भी है ना गुफा, अरे देखते हैं यहाँ पर भी है। बहुत ही सारा गुफा है यहाँ, तो यहाँ पर गुफा की कोई कमी नहीं है। ये क्या है, हरिदास गुफा। गुफा ही गुफा, कोई कमी नहीं यहाँ पर गुफा की। एक गुफा मेरा है, रसोई गुफा, ये रसोई गुफा है। ये बहुत सारा बनाया गया है, पता नहीं। अब ऊपर चलेंगे और देखते हैं वहाँ पर भी। यहाँ तो पूरा चट्टान ही चट्टान है, एक ही चट्टान को काट काट कर छोटी छोटी गुफाओं में बनाए गए हैं। ये भी बहुत ही छोटी गुफा है। हाँ, तो इसी में रहेगा क्या? हाँ ठीक है, अगले साल आएंगे तो ले जाएंगे आपको, तब तक यहीं पर तपस्या में लीन हो जाओ। वहाँ पर भी है बहुत, चलेंगे देखते हैं अगर जाते हुए बन जाए तो। फिलहाल अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। जबेश्वर गुफा, अरे अरे बाघ गुफा, एकदम बाघ जैसी बनाए देते।
बाघ जैसे दिखे। ये बाघ गुफा है ना, तो ये बाघ के ऊपर चढ़ते हैं। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर भी सीढ़ी है, जा सकते हैं ऊपर में। ये बाघ गुफा के ऊपर आ गए, यहाँ से तो पूरा शहर दिख रहा है। चल चल उधर चलते हैं, हाँ ऊपर चलते हैं। और ये हैं सभी गुफाओं का टॉप, यहाँ से वो उदयगिरी वाला दिखता है और इस तरफ पूरा शहर ही शहर है। और कुछ वहाँ पर दिख रहे हैं वो वाला जो दिख रहा है ना, वो शांति स्तूप है, जो कल गया था वहीं वाला है वो। यहाँ से दिखता है वो, नॉर्मल कैमरे से नहीं दिख सकता पर आंखों से दिखाई दे रहा है वो। वहाँ से नीचे उतरने पर एक और यहाँ पर गुफा बना हुआ है, जहाँ पर दो हाथियाँ दिख रहा है। देखते हैं, बहुत ही अच्छा, यहाँ पर भी है गुफा। मतलब यहाँ आए तो गुफा ही गुफा मिलेगा आपको, जो चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। ये देखो स्टैचू बनाया गया है हाथी का। गणेश गुफा, और इधर क्या है, यहाँ पर कुछ तो दिख नहीं रहा है। नहीं, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से बस, और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पेड़ पौधे फूल वगैरह हैं, और ये बड़ा सा चट्टान है। बाकी चलते हैं उधर, फिर नीचे चलेंगे। हाँ एक और गुफा है, धनगर गुफा, ये है धनगर गुफा, ये वाला। ये अंदर भी छोटा छोटा है। अंदर से देखने पर कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर ऐसा बहुत ही बना हुआ है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुछ छोटा है तो कुछ बड़ा है। और यह पूरे चट्टानों को काट काट कर ही बनाया गया है, ये एक ही चट्टान है, एक ही चट्टान पर बना हुआ है। यहाँ आने पर तो मज़ा ही आ गया, बस बैठे रहो अगर धूप खिली हुई है बाहर में तो, और थक भी गए, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी समय में तो पसीना ही आ जाता है। आपका सवाल क्या है बताइए? ये गुफा क्यों बनाया गया है भाई? इसका अच्छा जवाब है, सबसे अच्छा सरल जवाब है, पता नहीं। ये क्या जवाब हुआ भाई? ये सर्वोत्तम जवाब है, क्योंकि इसका इतिहास ही पता नहीं है। लगभग फर्स्ट सदी में ही बनाया गया था इसको, अब पता नहीं लग रहा है किस कारण से बनाया गया है। लगभग इन्हें सभी रहने के लिए बनाया होगा, रहने के लिए बनाया नहीं गया है, इसमें पूजा करने के लिए बनाया गया है। तो मंदिर तो मंदिर है, लेकिन देवताओं को उठा कर ले गए हैं कोई, तो पता नहीं, भगवान की मूर्ति नहीं है ना अंदर में, खाली गुफा गुफा बस है। जगह अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। और ये भी गुफा है क्या? यहाँ तो गुफा ही गुफा है भाई, कहीं भी जाओ गुफा ही मिलेगा। हाँ चलो ठीक है, चलो उदयगिरी को देख लिए पूरी, अब वापस नीचे जाना है। तो यहाँ से चलूँ क्या, यहीं से जाऊँगा मैं तो, बस थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा, यहीं से डायरेक्ट नीचे, और यहाँ से उधर जाना पड़ेगा। देखो पूरा चट्टान चट्टान, किसी भी जा सकते हैं यार। ये देखो यहाँ
वहाँ है कि नहीं है रास्ता नीचे जाने का। नीचे जाने का तो है, अगर यहाँ से उतरते हैं, यहाँ से उतर कर नीचे जा सकते हैं। चलो यहीं से जाऊँगा, यहाँ से कूदना पड़ेगा, यहाँ से कूद कर फिर यहाँ देखो छोटा सा सीढ़ी है बना हुआ है। यहाँ पर भी एक गुफा है, ये देखो। यहाँ लगता था पहले मूर्ति रखा होगा, पर यहाँ से अब नहीं है मूर्ति एक भी। यहाँ पूजा होता होगा, पहले होता था, हो रहा होगा ऐसा लगता है, पर कोई पता नहीं। इसको पूरा तोड़ दिया गया है, ये देखो। चलो वापस, अब नीचे जाना है, फिर देखते हैं कुछ खाने उने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है, क्योंकि टाइम हो गया है। अभी सुबह से नाश्ता बस किए हैं और अभी 12 बज रहा है, तो नीचे चलते हैं। ये अलकापुरी गुफा, छोटा हाथी गुफा, ये है छोटा हाथी गुफा और ये होगा अलकापुरी गुफा। यहाँ पर अरे वो लोग बोलते हैं ना फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो वो लोग कैमरा लेकर आते हैं। वैसे यहाँ फोटोग्राफर भी मिल जाएगा आपको, जो आपको फ़ोटो खींच कर देंगे। लगभग 20-30 रुपये चार्ज करते हैं और तुरंत प्रिंट आउट निकाल कर दे देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे इंडिया टूर का, और इंडिया टूर को टेलीविज़िट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। आज तो भुवनेश्वर का टूर समाप्त होता है, हो सकता है तो कल ही हमारा पुरी का टूर शुरू होगा, तो कल चलेंगे पुरी। अभी तो फ़िलहाल यहाँ का टूर लगभग समाप्त होने वाला है, देखते हैं और एक आध जगह देखने को मिल जाए तो देखेंगे। फिर कल है अपना टूरी का पूर, तो कल मिलेंगे टूरी पर, पुरी पर। तो अभी तो कहाँ हैं।